स्वागत है दोस्तों आपका एक और न्यू ब्लॉग में। ये मेरी गौरी है, देख रहे हैं आप, पुआल रखा है नीचे। और ये मेरी गौरी है, गैया है, हाँ बहुत मानता हूँ इसको। ये भी मुझको बहुत ज़्यादा मानती है। बाहर लाए हैं धूप में, जैसा कि ठंड का मौसम धीरे धीरे आ गया है तो धूप लगने के लिए इसको बाहर किया हूँ। हाय कर दो कैमरे में, हाय कर दो। नहीं करोगी? हाय करोगी? नहीं करेगी? तो चलिए ठीक है, मैं दिखाता हूँ। साफ सफाई सब हो गया है, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको अपना घर, ठीक है। उससे पहले मैं दिखा दे रहा हूँ आपको ये तुलसी का पौधा। अभी कुछ ही दिन पहले तुलसी विवाह था, आप देखे हैं जैसा कि तुलसी है। पीछे थोड़ा सा कुश है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, पीछे कुश महाराज हैं। उनका भी दिन छठ इत्यादि में पूजा होता है। यहाँ तुलसी का तो हमेशा पूजन होता है, कार्तिक में विशेष कर पूजा होता है। तो ये जो पीछे दिख रहा है मकान मेरा है, पूरा पेंटिंग हो चुका है, आपको सामने से दिखा रहा हूँ बढ़िया से। ये एक नंबर का पेंटिंग हुआ है, दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ये पूरा मेरा मकान है, बहुत अच्छे से पेंटिंग हुआ है। अभी जो गोल्डन पेंट और करना है थोड़ा सा हल्का सा, बाकी सब चीज़ ओके हो गया है, देख रहे हैं आप। ये एक नंबर का ऊपर तिरंगा लगाया है, तभी से अच्छे से आप जैसा कि देख रहे हैं, ये एक नंबर। और यहाँ का जो ज़मीन है यहाँ पे भी सफैया हो गया है। अब पीछे जो अपना मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये भी सारा सफैया हो गया है। जैसा कि कुछ होने वाला है, कोई कार्यक्रम है, उसका तो वीडियो आपको मिलेगा, तभी मैं बताऊँगा। तो इसलिए सारा साफ सफाई अभी से चालू है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अमरूद का एक पेड़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये अमरूद का पेड़ है। और इसमें जो मेरी गौरी बधाई है वो है नीम का पेड़, ठीक है। गौरी कहते हैं हम लोग गैया का, गैया को अपने गौरी नाम रखे हैं, जैसा कि नाम लेने से गाय बहुत अच्छे से मानते हैं लोग, एक मतलब बॉन्डिंग बना रहता है। तो देख सकते हैं आप, फिर एक बार दिखा दे रहा हूँ, हाय कर रही है, हाय कर रही है, देखिए। तो ये है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, जैसा कि मैं अच्छे कंटेंट आप लोगों के बीच लाता रहता हूँ। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, प्यार से कमेंट भी कर दीजिएगा। जय माता दी।